Hey guys, welcome to Pretty Life. This is Preeti Agarwal and this is my first video on YouTube. First of all, I would like to start with my introduction. This is Preeti and I'm from Chandigarh. Currently, I'm working as an accountant in US-based IT company. I would like to share my personal experience that how I achieved this job and what type of challenges I faced in my life. Let's start with my story. मैंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है अपनी जो वर्किंग लाइफ है वो 2013 में स्टार्ट की थी. दैट टाइम मेरा जो होम टाउन है वो बीकानेर है. आई एम फ्रॉम बीकानेर बेसिकली. 2013 में आई वॉज वर्किंग इन कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. दैट टाइम आई वॉज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट. मैं एज अ ट्रेनी काम कर रही थी वहाँ पे. उसके बाद मैंने लाइफ 4000 से स्टार्ट करी. उस टाइम पे ऐसा था, मुझे भी लगता था यार 4000 इज़ अ वेरी लेस अमाउंट, बट स्टिल सीखना था. उस टाइम मेरे मन में ये था यार आई एम ब्लैंक, अभी मैं एकदम खाली हूँ. वैसे भी अभी मेरे को वो एकदम ब्लैंक माइंड के साथ भी 4000 रुपीज़ देने के लिए रेडी है, इट मीन्स इट्स मोर देन इनफ. तो मैंने ज्वाइन किया ऑफिस और 4000 के साथ मैंने 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कम्प्लीट की. एंड आफ्टर दैट 3 मंथ्स लेटर मेरी उन्होंने जस्ट डबल सैलरी कर दी. उन्होंने मेरी सैलरी 8000 कर दी, 8000 पर मंथ कर दी. आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे ऐसे करके 4 साल निकाले और वो 4 साल बहुत अमेजिंग गए. लिटरली मैंने बहुत कुछ सीखा उस कंपनी से. बट यहाँ तक तो नॉर्मल लाइफ चलती है मेरी. आफ्टर दैट एक पड़ाव आता है लाइफ में अचानक से, वो होता है मेरी मैरिज. और जैसे ही मेरी शादी होती है मैं शिफ्ट हो जाती हूँ चंडीगढ़. सो दैट उसके बाद चंडीगढ़ आने के बाद फिर से नई जॉब्स ढूंढने. यहाँ पे वैसे ही इतना ज़्यादा चैलेंज है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि एक नई जॉब ढूंढना भी अपने आप में एक चैलेंज है. तो यहाँ आने के बाद आफ्टर 15 डेज और 1 मंथ यू कैन से लाइक उतने में मैंने एक जॉब ढूंढी. वो एक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी. वहाँ पे भी मुझे एज एच आर एग्जीक्यूटिव उन्होंने हायर किया. आई एम फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट बट दे आर लाइक एच आर एग्जीक्यूटिव उन्होंने मुझे हायर किया. बट स्टिल मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, जो मिल रहा लाइफ में सब ट्राई करना चाहिए. तो मैंने थोड़े दिन वहाँ पे जस्ट 10 और 15 डेज मैंने वहाँ जॉब की. बट हाईली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज वहाँ का डायरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऐसे गुस्से वाला और बहुत चिल्लाने वाला, लाइक ये करो वो करो, हाईली बर्डन दैट टाइम. और अकाउंट्स भी मैं कर रही थी, एचआर भी मैं कर रही थी, सब कुछ करवाया जा रहा था मुझसे. मल्टीटास्किंग हो गई थी मैं वहाँ. सैलरी पे स्केल इज़ नॉट हायर, इतना ज़्यादा भी पे स्केल नहीं था. सिर्फ 15000 मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट करी. तो वहाँ पे आने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि डायरेक्टर ने मुझे बोला कि आप अपना पर्स ना कॉन्फ्रेंस रूम में रखा करो. मैंने कहा ये तो ओवर हो गया. फिर उसी दिन मैंने अपना पर्स उठाया, सामान उठाया और घर आ गई. वो जॉब मैंने उसी टाइम छोड़ दी. और वो 15 डेज़ का पैसा भी मैंने नहीं छोड़ा. शाम को कॉल किया बॉस को एंड मैंने अच्छे से उनको बोला कि जो भी आपने बोला वो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा, दैट्स वाई आई लीव दिस जॉब, बट आई वॉन्ट द मनी. आई वॉन्ट द मनी ऑफ दैट 15 डेज जिन पे मैंने वर्किंग की है. तो नेक्स्ट डे मेरे उन 15 दिन की सैलरी भी आ गई जो कि मैंने वहाँ बंसल इंफ्राटेक करके एक कंपनी थी वहाँ मैंने वर्किंग की. उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मुझे नई नई खोज में लग गई मैं. अब नई जॉब चाहिए वापस, क्या करें. फिर बैठी थोड़े रिज्यूम अपडेट करती थी लाइन डेली कैसे थे और बहुत सारी वीडियोस देखी क्या करूँ कि जिससे अच्छा हो, अच्छी रिज्यूम्स बने और अच्छा पैकेज भी मिले. तो जो मुझे नेक्स्ट जॉब मिली विद इन 10 to 15 डेज मैंने नई जॉब स्टार्ट कर ली. इस बार जो जॉब लगी थी वो मेरी मीडिया कंपनी में लगी थी. दे लाइक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी वो, जो कि न्यूज़पेपर्स में या रेडियो मिर्ची वगैरह रेडियोज में एड वगैरह देती थी. लाइक कॉन्ट्रैक्टर थे वो, ठीक है. तो वहाँ पे भी मैं एज एन अकाउंटेंट हायर हुई. वहाँ पे कोई और सपोर्टिव नहीं था और मुझे पहले से कोई केटी देने वाला भी नहीं था वहाँ पे भी. तो जस्ट मैंने जाते ही वहाँ पे ज्वाइन किया. आफ्टर दैट मैंने 6 मंथ्स वहाँ पे निकाले. बट उन 6 मंथ्स में भी वही दिक्कत, नई नई शादी हुई थी, घर जाना होता था. तो बॉस से छुट्टी मांगते, उनको प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वहाँ पे कोई और अकाउंटेंट था नहीं जो पीछे से काम संभाल ले. तो ऐसे करके प्रॉब्लम चलती रही. देन आखिर लास्ट में ऐसा हुआ कि
उन्होंने मुझे थैंक यू बोल दिया जस्ट बिकॉज मुझे लीव्स चाहिए थी और उनको लीव्स की प्रॉब्लम थी, तो मेरी वो जॉब भी गई। आफ्टर दैट घर आई, बट इस बार बहुत टूट गई थी क्योंकि इस एक और बार जॉब चली गई। नई सिटी में सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बट इस बार मैंने हार नहीं मानी। इस बार मैंने ट्राई किया कि कुछ अच्छा किया जाए जिससे अच्छी सैलरी भी मिले, अच्छा पैकेज भी मिले और कुछ अच्छा मतलब लोग मुझे पसंद करें, एटलीस्ट कोई उनके पास अच्छा रीज़न हो। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, थोड़ी और अकाउंटिंग पढ़ती थी घर पे, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उसके अलावा अपने रेज्यूम को इतना अच्छा बनाया कि रेज्यूम मेरा अच्छा दिखे ताकि अच्छी कंपनी से ही मेरे को ऑफ़र आए। उसके बाद फिर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की जो थी टेली कम्युनिकेशन कंपनी, लाइक जो एयरटेल रिलायंस वगैरह के टावर होते हैं इन पर इंस्टॉलेशन के कॉन्ट्रैक्ट लेती है वो। तो उस पर मैंने लगभग, वहाँ मैं अच्छी सेटल थी, मैंने एक डेढ़ साल वहाँ काम किया और एक डेढ़ साल बाद काम करने के बाद फिर से काम बर्डन वहाँ पे भी ज़्यादा, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस जस्ट काम बर्डन ज़्यादा था। तो अब मुझे चाहिए था फाइनेंशियली ग्रोथ, ठीक है, फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए थी। तो मैंने फिर से अपने रिज्यूम लगाने शुरू किए, naukri.com पे अपने खुद को अपडेट किया, देन फिर मेरे को कॉल्स आनी शुरू हुई। ऐसे ही मैं काफ़ी दिनों तक फ़ोन पे ओवर दी कॉल चलती थी, इंटरव्यूज़ के ऑफ़र आते थे पर मुझे कोई कंपनी पसंद नहीं आई। ऐसे करके एक कंपनी जिस कंपनी में अभी वर्किंग कर रही हूँ वहाँ के वॉक इन चल रहे थे, तो मेरे पास जस्ट एक मेल आई थी, मैंने उस मेल को देखा और वॉक इन इंटरव्यू के लिए निकल गई। जो यहाँ पे नाइट शिफ्ट्स होती है तो जो इंटरव्यू था वो इवनिंग में था। आई जस्ट कंप्लीट माई जॉब इन डे शिफ्ट एंड आफ्टर दैट वो ऑफिस क्लियर करते ही, मैं ऑफिस कंप्लीट करके ही मैं सीधा इंटरव्यू देने पहुँची, लाइक 6 to 7 PM की बात है ये, दैट टाइम मेरा इंटरव्यू था। तो जैसे ही ऑफिस में घुसी, लाइक ऑफिस लाइक फोर माले वाली बिल्डिंग थी वो, जिसको देख के पहले ही मेरे को ऐसे हो गया वहाँ यार इट्स लाइक ऑफिस, सीरियसली ऑफिस। अंदर जाने के बाद मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा फ्लैट कल्चर था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कॉफ़ी के मग हाथ में हैं, एक बड़ी स्क्रीन लगी है जहाँ पे लोग बैठ के मैच वगैरह देख रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मुझे लगा और डेट टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंटरव्यू मुझे क्रैक करना है, ठीक है। फिर जैसे ही मैं इंटरव्यू देने गई, बट उस टाइम मेरा लग काम नहीं किया, दे रिजेक्ट मी एंड मैं सिलेक्ट नहीं हुई फिर से। एक सपना टूटने जैसा फील हुआ, बट हार नहीं मानी मैंने। घर आने के बाद मैंने एनालाइज़ किया क्या मेरे से गड़बड़ हुई, कहाँ मेरी कमी रह गई। एक्चुअली जो मेरी कमी थी वो मेरी इंग्लिश थी, क्योंकि वो कंपनी US बेस्ड है और वहाँ पे अच्छी इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है। फिर जब वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे तो उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और मैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी और पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है उनका। जैसे ही हुआ, फर्स्ट मेरा उस टाइम रिजेक्शन हो गया। घर आने के बाद मैंने एनालाइज़ किया, देखा क्या है, फिर अपनी इंग्लिश पे थोड़ा बहुत काम किया, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया। ऐसे ही करके अब उस कंपनी का एक और रूल है कि 3 months तक अगर आप रिजेक्ट होते हो तो 3 months तक आप दोबारा उस कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे सकते हो या उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते जॉब के लिए। तो आफ्टर 3 months फिर से जैसे ही हायरिंग निकली, मैं बस एकदम उस पर अपनी आँख लगा के बैठी थी कि जैसे ही इसकी हायरिंग स्टार्ट होगी तो मैं अपना इंटरव्यू देने फिर से जाऊँगी। तो आफ्टर 3 months आई वॉज प्रिपेयर्ड, देन 3 months बाद मैं वापस गई इंटरव्यू देने के लिए। इस बार मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड थी, अच्छे से कॉन्फिडेंट थी। इंटरव्यू के पास जाते ही मेरे बहुत सारे राउंड हुए। फर्स्ट राउंड हुआ जिसमें मेरे को अकाउंट्स के ही एक लेडी थी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मेरे को अकाउंटिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जिनके मैंने आंसर दे दिए उनको नॉर्मली, एंड आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को सेकेंड प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर दिया। दैट टाइम सेकेंड प्रोसेस में जो टीम लीड होता है अकाउंट्स का, उन्होंने फिर से अकाउंटिंग के क्वेश्चंस वगैरह, बेसिक क्वेश्चन, मतलब सब कुछ ओवरऑल जो होता है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कुछ पूछा उन्होंने, बहुत लंबा इंटरव्यू गया। एंड आफ्टर दैट उसके बाद वो इंटरव्यू में भी मैं सेलेक्ट हो गई। तो जस्ट थर्ड राउंड और हुआ मेरा जो कि डायरेक्टर के साथ था। तो उस टाइम पे सैलरी नेगोशिएशन के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया और आफ्टर दैट कुछ ही क्वेश्चन भी पूछे मेरे पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड। तो थोड़ी देर उनसे बात हुई, आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को एक डेट बताई कि आप इस दिन से ऐसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हो।
तो भाई साहब आई वॉज सो हैप्पी दैट डे एंड आई केम, माई हस्बैंड वॉज वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस. सो मैं उनके पास पहुँची और जाते ही मैंने उनको बताया कि आई एम सेलेक्टेड एंड इस दिन से मुझे ज्वाइन करना है. तो बस ये मेरी एक लाइफ जर्नी थी कि कैसे मैं फेल होती गई, पास होती गई, फेल होती. करंटली आई एम वर्किंग हियर विद स्मार्ट पैकेज और इन्वायरमेंट है जो कंपनी का बहुत अच्छा है. इसके अलावा यहाँ पे नाइट शिफ्ट्स होती है तो मुझे नाइट शिफ्ट्स में ही वर्किंग करनी होती है. और जो ऑफिस के लिए जाने के लिए है, यहाँ मेरे घर से 12 टू 13 किलोमीटर दूर है ऑफिस, इसलिए ऑफिस की कैब आती है जो लेने आती है और छोड़ने आती है सुबह. और इसके अलावा नाइट का जो मील होता है वो भी हमें ऑफिस से मिलता है. और उसके अलावा लाइक कॉफ़ी, टी, सब कुछ ऑफिस में. एक फुल फ्लैश अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो वर्किंग स्टाइल भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा होना है. और सबसे अच्छा चीज़ इंडिया में बैठ के यूएस के बंदों के साथ बात करते हैं तो और भी मज़ा आता है. आई एम फ्रॉम अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट, सो मैं वेंडर पेमेंट्स हैंडल करती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है सीरियसली. तो एट द एंड होल एंड सोल पॉइंट ये है कि लाइफ में कभी गिव अप मत करो, मज़े करो, इन्जॉय करो अपने वर्किंग के साथ. ऐसा नहीं है कि एक बार आप फेल हो गए तो अगली बार भी आप ही फेल हो गए. जस्ट ट्राई दिस. अगर दो बार तीन बार भी फेल होना पड़े तभी भी आप ट्राई करो लाइफ में. अगर बट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप ना तो फेल होगे ना आप पास होगे. जस्ट पॉइंट ये है कि वर्किंग करते रहो. बाकी मैं आपको अपने कुछ टिप्स है वो देना चाहूँगी कि कैसे आपको ट्राई करना चाहिए. सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप कभी इंटरव्यू देके आते हैं तो घर आने के बाद एनालिसिस ज़रूर कीजिए कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ थी, कहाँ आपके नेगेटिव पॉइंट्स से. इधर यू सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, दोनों टाइम पे आपने घर पे आके रिव्यू ज़रूर करना है. अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो वेल एंड गुड है, फिर भी आप अगर रिव्यू करते हैं तो इससे आपको और अच्छी चीज़ों का पता लगेगा और आपको आगे के फ्यूचर के लिए भी जानकारी रहेगी. दूसरा ये, अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हैं और फिर आप एनालिसिस करो घर आके कि आप क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, कहाँ आपकी कमियाँ रही, कैसा, ऐसा कौन सा पॉइंट था जो इंटरव्यू को मिला जिस वजह से दूसरे जो लोग थे वो आपसे आगे निकल गए, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रिज्यूमे. रिज्यूमे हमेशा अपना अपडेटेड रखो, इतना स्मार्टली और इतना क्लियर बनाओ उसको कि सामने वाले को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो उसको रीड आउट करने में. और अपने रिज्यूमे में सब कुछ लिखो कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपका रिज्यूमे ही सब कुछ बोल पड़े. और दूसरा ये कि रिज्यूमे में कभी भी कुछ झूठ मत लिखो, ठीक है. जो कुछ आपको आता है सिर्फ वही रिज्यूमे में लिखो, क्योंकि जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है उस टाइम पे उसके 90% क्वेश्चन आपके रिज्यूमे से ही होते हैं. तो बी श्योर कि आप जो लिख रहे हो वो करेक्ट हो, अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो आपको ना आता हो और आपने अपने उस पर रिज्यूम पे लिख रखा है बट भी आपको आता नहीं है उसका आंसर, डेट विल काउंट इन योर नेगेटिव पॉइंट. सो टेक केयर ऑफ दिस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो इंटरव्यू के सामने. अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है इट मीन्स वहीं आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि जब भी कोई कंपनी एक बंदा हायर करती है तो वो हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें जो देखती है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखती है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस, आप कैसे बोल पाते हो. और दूसरा ये कि डोंट वरी अबाउट इट, इंग्लिश है तो. आजकल के टाइम पे हम लोग सोचते हैं यार इंटरव्यू इंग्लिश में देना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है. अगर आपको हिंदी आती है, इफ़ यू वांट टू स्विच ऑन द हिंदी लैंग्वेज एज वेल, तो आप उनसे हिंदी में भी स्विच कर सकते हो इंस्टेंट. वो जॉब किसी इंग्लिश वाली प्रोफाइल के लिए ना हो, लाइक अकाउंट्स की सारी पोजिशन इंग्लिश के लिए ही नहीं होती है ना. अगर आपका क्लाइंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप हिंदी में भी अपना इंटरव्यू दे सकते हो और वो लोग आपको सेलेक्ट भी कर सकते हैं आपके हिंदी के बेस पे भी. ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो यू विल नॉट गेट अ चांस टू सेलेक्टेड. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी. एंड एज यू ऑल नो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन एज वेल. इसी तरह मैं आपके लिए और भी नई नई बहुत सारी वीडियोज़ लाती रहूँगी.
एंड दिस इज़ द नॉट ओनली कंटेंट, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको शेयर करती रहूँगी. ओके, थैंक यू गाइज, बाय, हैव अ गुड डे, बाय.